ये उन बेसिक सवालों में से एक है जो हमें बचपन से ही रटाए जाते हैं। आप में से बहुत से लोग ये भी जानते होंगे कि माउंट एवरेस्ट का नाम एक अंग्रेज अधिकारी सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया था। लेकिन जो आप में से बहुत से लोग नहीं जानते होंगे वो ये है कि जिन सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर माउंट एवरेस्ट का नाम रखा गया, उन्होंने न तो कभी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई मापी और न ही वे कभी अपने जीवन में माउंट एवरेस्ट के आसपास भी फटके। जी हाँ, बल्कि आपको और भी सुखद आश्चर्य होगा जब आप ये जानेंगे कि एवरेस्ट की ऊंचाई नापने वाला शख्स कोई ब्रिटिश नहीं बल्कि एक भारतीय गणितज्ञ था और इस भारतीय का नाम था राधानाथ सिकदर। क्या आपने ये नाम पहले कभी सुना है? शायद नहीं। हम में से बहुतों ने नहीं सुना होगा क्योंकि हम जो इतिहास पढ़ते हैं वो ज्यादातर वही है जो अंग्रेज या विदेशी इतिहासकार हमारे लिए छोड़ गए हैं। राधानाथ सिकदर भारत की उन अनेकों अल्पज्ञात महान विभूतियों में से एक है जिन्हें इतिहास में वह स्थान नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। जहां तक जॉर्ज एवरेस्ट के माउंट एवरेस्ट से संबंध का प्रश्न है तो ये कहना गलत नहीं होगा कि उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि यही थी कि उन्होंने राधानाथ सिकदर को खोज निकाला था। दरअसल 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेजों ने भारत का मानचित्र तैयार करने के उद्देश्य से पूरे देश का एक त्रिकोणमितीय सर्वेक्षण का प्रोजेक्ट आरंभ किया था। इसी प्रोजेक्ट के तहत सन 1830 में सर जॉर्ज एवरेस्ट नाम का एक अंग्रेज अधिकारी सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया बनकर भारत आया। भारत आने के बाद जॉर्ज एवरेस्ट ने एक ऐसे व्यक्ति की खोज शुरू की जो स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री में विशेषज्ञ हो। तब उनके एक शिक्षक मित्र ने उन्हें कोलकाता के एक युवा छात्र राधानाथ सिकदर का नाम सुझाया जिसने अपनी गणितीय प्रतिभा से अपने शिक्षकों को कायल कर रखा था। फिर क्या था, सर जॉर्ज एवरेस्ट ने राधानाथ सिकदर को अपने विभाग में कंप्यूटर के पद पर नौकरी पर रख लिया। उस समय आज की तरह कंप्यूटिंग का काम कंप्यूटर मशीनों से नहीं बल्कि इंसान कंप्यूटरों से कराया जाता था जो कागजों पर प्राप्त डेटा को कंप्यूट करते थे। राधानाथ सिकदर बेहद मेहनती और प्रतिभाशाली इंसान थे जिसके कारण सर जॉर्ज एवरेस्ट उनसे काफी प्रभावित रहते थे। फिर आया साल 1843 जब जॉर्ज एवरेस्ट रिटायर हो गए और उनके स्थान पर नए सर्वेयर जनरल बने कर्नल एंड्रयू स्कॉट वॉ। अब ध्यान रहे, अब तक माउंट एवरेस्ट जिसे उस समय पीक एक्सवी के नाम से जाना जाता था की ऊंचाई नापने का काम शुरू नहीं हुआ था। ये तो कर्नल एंड्रयू स्कॉट वॉ थे जिन्होंने राधानाथ को पीक एक्सवी की ऊंचाई मापने का काम सौंपा। राधानाथ अपने काम में जी जान से लग गए और सालों की कड़ी मेहनत के बाद आखिर 1852 में पीक एक्सवी की ऊंचाई बताने में सफल हुए। उन्होंने बताया कि इसकी ऊंचाई 29,002 फीट है जो दुनिया में ज्ञात सभी पर्वत चोटियों से ज्यादा है। लेकिन इसके बाद भी इसकी तत्काल घोषणा नहीं की गई क्योंकि राधानाथ अपनी हर गणना से हर तरह से संतुष्ट होना चाहते थे। सभी आंकड़े एक बार फिर से जांचे गए और आखिरकार 1856 में जब वे पूरी तरह संतुष्ट हो गए तब इस बात की आधिकारिक घोषणा की गई कि पीक एक्सवी ही दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। इससे पहले कंचनजंगा को दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माना जाता था। खैर, अब बारी आई पीक एक्सवी का नाम रखने की। अगर भारत उस समय आजाद होता तो बहुत संभव था कि उसका नाम माउंट सिकदर या माउंट राधानाथ रखा गया होता। लेकिन उस समय तो हुकूमत अंग्रेजों की थी तो कर्नल एंड्रयू स्कॉट वॉ ने उस चोटी के लिए नाम चुना माउंट एवरेस्ट। यह नाम उन्हीं सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर था जो कर्नल एंड्रयू स्कॉट वॉ के पूर्व भारत के सर्वेयर जनरल हुआ करते थे। तो इस तरह एक प्रतिभाशाली और परिश्रमी भारतीय गणितज्ञ जिसकी शोहरत पूरी दुनिया में होनी चाहिए थी, जो अपने काम के प्रति इतना समर्पित था कि उसने आजीवन विवाह नहीं किया, उसके योगदान को बड़ी आसानी से भुला दिया गया। लेकिन उस समय तो जो हुआ सो हुआ, शासन अंग्रेजों का था और हम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते थे। परंतु दुख की बात तो ये है कि आज इतने सालों के बाद भी जब भारत आजाद हो चुका है, हम में से ज्यादातर भारतीय अपने ही देश के इस महान गणितज्ञ का नाम तक नहीं जानते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि हमें अपने बच्चों को इतिहास के इन भूले बिसरे नायकों के बारे में बताना चाहिए? क्या यह अच्छा नहीं होगा कि हम जब भी किसी बच्चे को माउंट एवरेस्ट के बारे में बताएं तो उसे साथ ही साथ राधानाथ सिकदर के बारे में भी बताएं? अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा।
जल्दी हाजिर होते हैं आपके समक्ष एक नई जानकारी लेकर।